कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट जिनसे मैं जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि जो नॉन स्पेकुलेशन का लॉस हो गया है, कोई हमारा नॉर्मल बिजनेस था तो उसमें अगर हमें कोई लॉस हो गया है तो वो सेम कैटेगरी से देखेगा पहले, फिर अदर कैटेगरी से देखेगा। अगर वो फिर भी नहीं हो रहा तो फिर वो अदर कैटेगरी में मतलब स्पेकुलेटिव लॉस, स्पेकुलेटिव से कोई इनकम नहीं है और स्पेसिफिक से ले सकते हैं। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो मतलब फिर अदर हैंड से लेंगे, एक्सक्लूडिंग जिसमें हम सैलरी को छोड़ देंगे। अगर नहीं हो रहा है तो हम कैरी फॉरवर्ड कर देंगे इसको नेक्स्ट एक असेसमेंट क्लियर के लिए। एक्सेप्शन इसमें रहेगा मेन लॉस सर्टिफिकेट एंड बैंकिंग, क्योंकि इस में लॉस करते हम उसको कवर अप नहीं कर सकते। अगर नॉर्मल बिजनेस का लॉस हो गया है, ठीक है, और वो लॉस हो गया और फिर उसके बाद जो ये नहीं चल रहा था, मुझे लॉस हो गया इससे, और उसके बाद मैंने बिजनेस बंद कर दिया, ठीक है, और उस डिसकंटिन्यू करने के बाद 3 ईयर के बाद मैंने उस बिजनेस को कंटिन्यू कर लिया, देन तो मैं ये जो यहाँ पे लॉस हो गया था मैं उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकती हूँ जितना भी मेरा टाइम बचा, ठीक है। ये पॉइंट रह गया था, हमें क्वेश्चन में सैलरी या ग्रॉस सैलरी दी गई है, ये पॉइंट आप जब क्वेश्चन करेंगे तब काम आएगा, दे रखी है। तो हमें क्या करना होगा, उसमें से पहले जो सेक्शन 61 के अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है 50,000 की, वो माइनस करेंगे तब हमारी टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी बनाएंगे,